हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम कुक। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे का लच्छा पराठा। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो हमें चाहिए 3 कप आटा, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटे को गूंथ लेंगे। आटा गूंथ जाने पर हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और इसे फिर से गूंथ लेंगे। अब हम आटे को 20 मिनट के लिए ढक के अलग रख देंगे। बाद हमारा आटा रेडी है। अब हम इसकी एक बड़ी लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए पहले हम सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। और इसको बराबर से बेल लेंगे। अब हम इसमें 1 लेयर ऑयल लगाएंगे और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हमें इसको फोल्ड करना है। आप फोल्ड करने का तरीका अच्छे से देखिए। पहले आगे ले जाके हमें इसे पीछे ले जाना है और इसे हल्का प्रेस करना है। इस तरह से हम पूरी रोटी को फोल्ड कर लेंगे। अब हमें इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है और इसको लंबाई में स्ट्रेच करना है। एकदम हल्के हाथों से दबाइए और स्ट्रेच करते रहिए। अब हम इसको गोल गोल घुमा के इसकी लोई बना लेंगे। हमारे लच्छे पराठे की लोई रेडी है। इस तरह से हम अपनी सारी लच्छे आटे की लोइयां प्रिपेयर कर लेंगे और उनको 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। दस मिनट बाद हमें इसे बेलना है। हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और लच्छे पराठे की लोई को एकदम हल्के हाथों से गोल गोल बेलेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है।
अब इसको सेकने के लिए हम पैन गरम कर लेंगे। और इसमें अपना लच्छा पराठा डालेंगे। अब साइड पलट के हम इसमें ऑयल लगाएंगे। हमें ऑयल को इवेनली लगाना है। इसी तरह हम दूसरे साइड भी ऑयल लगा लेंगे। और इसको अच्छे से सेकेंगे। आप देखिए इसके लच्छे कैसे खुल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। तो देखिए हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।